आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2x+3 का हमारे पास इक्वेशन है, ये बेसिकली y इंटरसेप्ट फॉर्म है। 2x+3, 2 इज अ ग्रेडियंट और 3 जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x हम -3 लें तो y हमें -3 ही मिलेगा, और अगर x का वैल्यू हम -2 लेते हैं तो y -1 मिलता है, और जब y का वैल्यू x के वैल्यू हम -1 लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास y1 आता है, एंड सो ऑन। और ये भी ये वाले जो पॉइंट्स हैं -3 -3, -2, -1, देन -1 एंड 1, देन 0 और 3, इसके बाद 1 और 5 और 2 और 7, देन 3 एंड 9। इनसे हम एक लाइन क्रॉस करेंगे, ये हमारे पास टिल्टेड लाइन जो कि लीनियर ग्राफ कहलाता है। y इज इक्वल टू 2x+3 का लाइन हमें मिल गया। ये y इज इक्वल टू mx+c बेसिकली y इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। टू ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट आपको मिलता है राइज ऑब्लिग्रन से, अब आप ये देख लें कि हर एक में जो +2 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है, जो कि हमारा राइज होता है, और 1 जो है वो रन का है, और 1 डिफरेंस आपको मिल रहा है। 2/1 इनके ग्रेडियंट, जैसा कि हमें पता था इसका 2 है, तो जिस नंबर में डिनोमिनेटर कोई ना हो वहां पे डिनोमिनेटर 1 होता है। अब ये 2/1 जो है वो हम उसका ग्रेडियंट से साबित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू x+4। ऐसे ग्राफ्स जिसमें x और y इन्वॉल्व हों, वो उसके लिए हमें टेबल ड्रा करना होता है, क्योंकि ये हमेशा एक टिल्टेड लाइन हमें मिलता है। अब यहाँ पे इसका ग्रेडियंट है 1, और ये +4 हमें इंडिकेट कर रहा था कि हम ओरिजिन से 4 स्टेप्स ऊपर जाएंगे। अब 4 से अब 1 स्टेप ऊपर गए, और इसी तरह जब आप डाउन आते हैं तो आपको वैल्यूज मिल जाती हैं, और ये आपका y इज इक्वल टू x+4 का ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू -2x-3। ओरिजिन से आप डाउन जाएंगे -3 के ऊपर। अब ये -2/1 विल बी द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमारे पास राइज ऑब्लिगन होता है, -2 इज राइज एंड
वन इज रन। आप -3 से आप -2 डाउन जाएंगे और वन स्टेप आप मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, क्योंकि वन पॉजिटिव है। और इस तरह से आपको एक लाइन मिल गया जो कि वाई इज इक्वल टू -2x -3 का लाइन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस पे भी कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो का शेयरिंग भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।